आप सभी का स्वागत है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आपका ये कंसर्न है कि मुझे अपने परिवार को वहाँ पर बुलाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये छोटी सी वीडियो होगी, इसको एंड तक देखिएगा। चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, किसी भी देश में हो, यूरोप में हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो या यूएस में क्यों ना हो, हम इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि आप अपने परिवार को कैसे बुला सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और एक्चुअल में कंसेप्ट कितना फर्टाइल है, यानी इसका अप्रूवल रेट कितना अच्छा है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको लगाना हमारे लिए ठीक ना हो, जिसमें हमें लगता है कि हम ये इतनी मेहनत कर लें और फिर वीज़ा ना आए। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख के अपनी फैमिली के वीज़ा को बड़ा आसान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको समझना होगा कि आप किसी भी देश में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपका स्टेटस लीगल होना चाहिए, तभी आपके पास राइट होता है अपने परिवार को बुलाने का। मैं ये किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इलीगल रूट्स का भी सहारा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप इलीगल रूट का सहारा लेते हैं और किसी भी देश में पहुंचते हैं और वहां पर फिर आप अपने परिवार को बुलाने के बारे में सोचते हैं, तो आपको वो राइट नहीं दिया जाता, क्योंकि आप इलीगली हैं। आपके पास वहां पे लीगल होने का कोई प्रूफ नहीं है, वहां का कोई रेजिडेंस परमिट नहीं है, कोई पीआर नहीं है, नथिंग। तो उस केस में आपके पास कोई राइट नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता सरकार की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से, जिससे आप अपनी फैमिली को अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से बुला सको। इसलिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि आप जिस भी देश में हो लीगल तरीके से हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये इवेल्युएट करना होगा आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी पे हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो और आपको लगता है कि आपके इनविटेशन पे वीज़ा आ जाएगा आपकी फैमिली का, तो वो तो काम बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी फैमिली को जो वीज़ा लगेगा वो उनके मेरिट पे लगेगा। फिर अगर उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल अच्छी है वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, उनके मेरिट पे फिर डिसीजन अनाउंस किया जाएगा एम्बेसी या काउंसलर जो भी होगा। दूसरा, अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे हो तो आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किसी अमित कुमार का। अब अमित कुमार जो है वो जर्मनी में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे 3 महीना 6 महीना हो चुका है, अब वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं। उस केस में अमित कुमार के पास सबसे पहला तो लीगल स्टेटस होना चाहिए, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी वीज़ा पे वो काम कर रहे हैं वो लीगली अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि उनका ऑलरेडी है। दूसरा, उनका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि उनकी सैलरी इतनी हो जिसमें वो अपनी फैमिली को बुला सकें। अब देखिए, अगर आप सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए फैमिली को बुला रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो रेगुलरली बुला सकते हैं, उसमें आपकी सैलरी कोई खास मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को फैमिली वीजा पे बुलाना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि वो भी आपके साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे रहें, तो उस केस में स्पाउस वीजा और डिपेंडेंट वीजा वाले सिनेरियोज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। यानी आपकी सैलरी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को बुला सको। अगर आपकी सैलरी सफिशिएंट है फिर नेक्स्ट चैलेंज आता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं क्या वो रूम शेयरिंग पे है? ऐसा तो नहीं कि आपने रूम भी शेयरिंग पे लिया हुआ है, फिर आप अपनी फैमिली को कैसे बुलाओगे, और बुलाओगे तो उनको रखोगे कहाँ? तो उस केस में आप अपना प्रेमिसेस तो शेयर कर सकते हैं, यानी एक फ्लैट है 2 कमरों का, एक कमरा किसी और ने लिया, एक मेरे पास है, वो चलेगा। बट मेरे पास एक रूम है उसमें ऑलरेडी 2 लोग रह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। और साथ में आपके जो भी एग्रीमेंट हो रेंट का, उस पर आपका नाम होना चाहिए अगर रेंट एग्रीमेंट पे है। आप अगर स्टाफ क्वार्टर्स में हैं, कंपनी ने स्टाफ क्वार्टर दिए हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उन स्टाफ क्वार्टर्स के पेपर लगा सकते हैं। वहां पर भी ध्यान ये रखना हो कि आपका जो रूम है एटलीस्ट वो प्राइवेट हो, राइट? ये नेक्स्ट चीज होगी। थर्ड, आप जो अपनी फैमिली को जो बुला रहे हैं, जो भी इंडिया में फैमिली है, उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए इंडिया में जो आपकी फैमिली है, यानी उनके पासपोर्ट, उनकी अगर यहाँ पे कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए, कुछ काम करते हैं तो वो प्रूफ लगा सकें। ओके, कुल मिला के सिचुएशन ये है कि जहाँ पर भी आप अपनी फैमिली को बुलाएंगे वो देश ये देखना चाहेगा कि क्या आप फाइनेंशियली एलिजिबल हैं, क्या आपके पास राइट्स हैं, क्या आप लीगल स्टेटस पे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर रेजिडेंस है, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, ये सब देखा जाएगा। और क्या आपकी फैमिली, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है, आपका खुद का रिकॉर्ड क्लीन है, अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं तो वीज़ा मिल जाते हैं। फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा टेक्निकल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है अगर वो सारी टेक्निकलिटीज और सारी चीज़ें आपके पास हो तो, राइट? अब नेक्स्ट कंसर्न आ जाता है स्टडी वीज़ा वालों के लिए। कई लोगों के स्पाउस स्टडी वीज़ा पे गए हुए हैं, हो सकता है यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में आजकल काफी जा रहे हैं, कनाडा भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप स्टडी वीजा पे हैं तो आप तभी बुला सकते हैं अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी स्ट्रांग हो, खुद की इंडिविजुअल कि भी हमारे पास बहुत रेगुलर इनकम इज कमिंग आवर वे, और वहां पर जाके अपना ध्यान रख सकते हैं, उसके बकायदा प्रूफ उनके पास होने चाहिए। जैसे और खासतौर से ऐसी इनकम जिसमें उनका प्रेजेंस रिक्वायर्ड ना हो, यानी कोई रेंट आता हो, कोई पेंशन आता हो, समथिंग लाइक दैट, कोई इंटरेस्ट आता हो, कोई डिविडेंड आता हो। अगर ये चीज नहीं है उस केस में फिर जो स्टडी वीजा पे हैं क्या वहाँ पे वो कोई जॉब कर रहे हैं? अगर पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं तो क्या वो फाइनेंशियली वहाँ पे वेल ऑफ हैं? क्या उनके पास एकोमोडेशन ठीक है? ये सारी चीजें अगर मैच होती हैं तो
तो ही आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन ऐसा है, इसमें भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना वर्क वीजा वाले केसेस में है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कोई स्टडी कर रहा है और किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं है, मोर ओवर कोई सेकेंडरी स्टेबल इनकम नहीं है, साथ में जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है इंडिया से, उनका भी कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर सक्सेस रेट बहुत कम रहेगा। ऐसे केस में रिफ्यूजल के चांसेस बने रहेंगे फिर आपकी प्रोफाइल पे। तो आई होप ये कंसर्न आपको समझ में आया होगा। इसमें नेक्स्ट जो काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम वहां पर कंपनी के वीजा पे गए, कंपनी का वीजा मतलब ये होता है कि कंपनी एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, कि भी कंपनी ने अपनी एक यूनिट से, इंडिया वाली यूनिट से किसी को भेज दिया, लेट्स अस्यूम पेरिस वाली यूनिट पे, और वहां पे उनको भेजा गया एक साल के लिए, तो क्या वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बुला सकते हैं। उस केस में भी आपके पास राइट है, वही सारी चीजें आपको करना होगा। जो कैटेगरीज आपके काम की है वो टूरिस्ट वीजा नहीं होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, प्लीज टूरिस्ट वीजा ना अप्लाई करें। उस केस में आपको अप्लाई करना होगा या तो फैमिली रियूनियन वीजा, फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा, डिपेंडेंट वीजा, स्पाउस वीजा, ये चीजें, ये वाले वीजा है जो आपके काम आने वाले हैं इन कैटेगरीज में। अब जिस भी आप देश में होंगे वहां पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर जगह फिक्स नहीं है। यानी किसी देश में अगर 1500 यूरो एक स्टेबल इनकम मानी जाती है, तो हो सकता है दूसरे देश में वो स्टेबल इनकम 1800 यूरो मानी जाए, या फिर किसी देश में 2000 मानी जाए। वो डिपेंड करता है आप कौन से देश में हो। तो अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें क्रॉस चेक करके ही वीजा फाइल करना चाहिए। फैमिली को बुलाना, जैसे मैंने बताया, बहुत ही आसान है, और हमने इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन अपलोड करी हुई है जिसमें आप अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं इसकी कॉन्क्रीट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको फैमिली को बुलाने वाला जो है काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो आप हमें कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। फैमिली वीजा, डिपेंडेंट वीजा आप खुद भी लगा सकते हैं, इसमें आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस थोड़े टेक्निकल है बट आसान है। इस चैनल पे ढेरों वीडियोस है जिनको स्टडी करके आप ये कर सकते हैं। बट अगर उसके अलावा भी आपको हमारे असिस्टेंट चाहिए, तो ऑफकोर्स वी आर देयर फॉर योर असिस्टेंस। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।